हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विदेवी में। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएफओ एसएससी आप लोग का जो पेपर है आप 14 नवंबर को उसके बारे में कि उसका जीके के क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग का। 20 मिनट का टाइम बहुत होता है जीके के लिए। 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको और 40 नंबर, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, वो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सेप्टेम्बर के करंट अफेयर्स। तो ये आप लोग देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का है गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू क्या है ये आप लोग का, ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको ध्यान से, इसको बार बार आप पढ़ लीजिएगा। अगर एक बार वीडियो देखने समझ में नहीं आता दो बार वीडियो देखिए, लेकिन आप लोग इसका एकदम दिमाग में बैठ लीजिए कि इसमें से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू जो है वो कहाँ पे है आप लोग का, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा नागपुर। कहाँ पे आप लोग का, नागपुर में आप लोग का गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू है। नेक्स्ट आप लोग का है बुक ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री ये किसने लिखा है, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा पीटर बेकर। पीटर बेकर ने लिखा है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट आप लोग का है जिन ढूंढे तिन पाए, जिन जिन ढूंढे तिन पाए जो है बुक वो किसने लिखा है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा एक आईपीएस ऑफिसर है जो कि आप लोग का नाम है ओपी सिंह। ओपी सिंह ने लिखा है जिन ढूंढा तिन पाए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का फुल प्रूफ, फुल प्रूफ में आप लोग का फूल फूल जो होते हैं आप लोग के फ्लावर्स होते हैं उसके रिवाज, मतलब कुछ फूलों के रिवाज होते हैं, कुछ फूलों के रूल्स होते हैं, कुछ विश्वास होता है तो बिलीव्स होते हैं, तो ये जो है आप लोग का इसके ऊपर आप लोग को एक बुक लिखा गया है फुल प्रूफ, ये लिखा है जे बी बोस ने। किसने लिखा है, जे बी बोस। अगला जो है आप लोग का है अंगीकार, अंगीकार कैंपेन। अंगीकार कैंपेन जो है वो क्या है, अंगीकार कैंपेन जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना को, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना तीनों एक साथ इसको मिलाने की कोशिश किया जा रहा है। मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा उठाए हैं जिस जो लोग, तो उसको उज्ज्वला के साथ भी जोड़ेगा और आयुष्मान भारत के साथ भी जोड़ेगा। तो इसका इस ये है आप लोग का अंगीकार कैंपेन, ठीक है। नॉर्मल सा है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कभी भी अंगीकार कैंपेन क्या है, तो इसको आप लोग को पता होना चाहिए। अगला जो है वॉक टू वर्क, वॉक टू वर्क मतलब जो काम है आप लोग का ऑफिस है वहाँ पे पैदल जाके जाइए, ये आप लोग का कैंपेन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या आंसर हो जाएगा इसका, मेघालय आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है आप लोग का किसने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, किस एयरलाइन कंपनी ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया सबसे पहले, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। एयर इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है आप लोग का वेन डिस्क जो है ये एक नीदरलैंड कंट्री के फुटबॉलर हैं और इनको जो है यूएफए लीग के मेंस बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। किसको, वेन डिस्क। तो क्वेश्चन आप लोग एक बहुत सारे टाइप के बनेंगे कि कौन किस प्लेयर को मेन प्लेयर ऑफ द यूएफए लीग मिला है, तो आप लोग का वेन डिस्क का आंसर हो जाएगा, या फिर वेन डिस्क को ये मिला हुआ है वो कौन से कंट्री से रिलेटेड है, या फिर वेन डिस्क कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका सबको आपको याद रखना है तो एक लाइन में याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किधर स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है स्टार्ट हरियाणा में, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बनेगा ये है क्या, तो इसमें आप लोग को ईयरली 6,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। किसको मिलेगा, जिसके 2 हेक्टर से कम ज़मीन है और जिसका ईयरली इनकम 1.8 लाख से कम है, 1.8 लाख से कम है उसको आप लोग का 6,000 रुपये मंथली मिलेगा, सॉरी हाँ मंथली मिलेगा, मंथली 6,000 रुपये मिलेगा आपका मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये मंथली मिलेगा जिसका ज़मीन 2 हेक्टर से कम है और 1.8 लाख के इनकम से कम है सालाना, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आप लोग का भगत कोश्यारी, ये आप लोग के न्यू गवर्नर्स हैं, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। भगत कोश्यारी, आरिफ मोहम्मद खान, बंदारू दत्तरिया, कलराज मिश्रा और तमिल साई सुंदरंजन, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, एक एक याद करते हैं हम लोग, ठीक है। कलराज मिश्रा को याद रखिए राजस्थान, बंदारू दत्तरिया को याद रखिए हिमाचल, आरिफ मोहम्मद को रखिए याद रखिए तेलंगाना, ठीक है।
आरिफ मोहम्मद को याद रखिए, तेलंगाना, ठीक है। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में ढूंढ के बताएंगे नेट में कि भगत कोशरिया कोशियारी और तमिल साई सुंदरंजन, ठीक है, ये दोनों कहाँ के, तमिल साई सुंदरंजन और भगत कोशियारी, इसको आप लोग गूगल में सर्च करेंगे एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि कहाँ पे है। थोड़ा सा काम आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको, भगत कोशियारी और तमिल साई सुंदरंजन कहाँ पे आप लोग के गवर्नर बने हैं, ठीक है। अगला जो है TDS, TDS कटता है आप लोग का, ये तो पता ही है आप लोग का, TDS कटता है ना, TDS कटता है। तो ये 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉल अगर मंथली करते हैं तो 2% का TDS कटेगा, ठीक है। 1 करोड़ से ज़्यादा का विड्रॉल करते हैं तो 2% का TDS कटेगा उस बंदे का, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला जो है आप लोग का एक बिल्ड फॉर डिजिटल प्रोग्राम है, इसमें किस कंपनी का सहायता ले जा रहा है, तो गूगल की सहायता ली जा रही है आप लोग का बिल्ड फॉर डिजिटल प्रोग्राम कैंपेन में, ठीक है। अगला जो है विवेक कुमार जौहरी जो है वो BSF दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं, किस कौन बने हैं आप लोग के, विवेक कुमार जौहरी। अगला जो है साफ दैट इज़ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है आप लोग का होता है साफ, ये आप लोग का ये जो है इसका अंडर 15 का चैम्पियनशिप किसने जीता, इंडिया ने जीता, और किसको हराया, नेपाल को हराया, ठीक है, इंडिया ने जीता, नेपाल को हराया, 7-0 के स्कोर से हराया, बहुत बढ़िया है ये, इंडिया ने नेपाल को हराया साफ कप अंडर 15 को, ठीक है। अगला जो है आप लोग का आर्मी के वाइस चीफ, आर्मी के वाइस चीफ कौन है आप लोग के, दैट इज़ मनोज मुकुंद नरवाने, आर्मी के जो वाइस चीफ होते हैं वही जाके आगे चीफ बनते हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वाइस चीफ कौन है, तो आंसर हो जाएगा आप लोग का मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। अगला जो है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB जो है इंडिया को 3 साल, नेक्स्ट 3 साल जो है 2021-22-23 के लिए $12 बिलियन दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का है हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स जो है वो एक ट्रेन है, ट्रेन जो है वो उसमें आप लोग का हॉस्पिटल ऑन व्हील्स बोला जा रहा है, तो हॉस्पिटल ऑन व्हील्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ आप लोग का, मुंबई महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगला जो है इंडोनेशिया का कैपिटल जो था जकार्ता था पहले, जकार्ता, अब जकार्ता नहीं, होके क्या हो गया, ईस्ट कलिमंटन, ईस्ट कलिमंटन हो गया है अभी, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या हो गया है, ईस्ट कलिमंटन, ठीक है। अगला जो है आप लोग का शॉर्ट हिस्ट्री ऑन इंडियन रेलवेज, ये एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, शॉर्ट हिस्ट्री ऑन इंडियन रेलवेज, इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है राजेंद्र अकलेकर, राजेंद्र अकलेकर ने लिखा है शॉर्ट हिस्ट्री ऑन इंडियन रेलवेज। अगला है आप लोग का रशिया विल ट्रेन दैट इज़ 4 एस्ट्रोनॉट्स, जो 4 एस्ट्रोनॉट है गगनयान मिशन, गगनयान मिशन में जाने वाले हैं, ठीक है, गगनयान मिशन में जाने वाले हैं 4 एस्ट्रोनॉट, उसको कौन ट्रेन करेगा, रशिया ट्रेन करेगा। अगला जो है आप लोग का एक डीप अंडर वाटर स्टडीज़ के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जो कि नाम है आप लोग का समुद्रयान 2022, समुद्रयान 2022 जो है वो स्टार्ट किया गया है फॉर डीप अंडर वाटर स्टडीज़। नेक्स्ट है आप लोग का युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास क्या है, ये एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड USA, ठीक है, इंडिया एंड USA के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं युद्ध अभ्यास, ये कहाँ हुआ आप लोग का, रिसेंट ये हुआ है वॉशिंगटन में। इंडिया एंड USA के बीच में एक और होता है मालाबार, और जिसमें मालाबार में एक और कंट्री भी है साथ में, जापान, मालाबार भी होता है जिसमें इंडिया और USA दोनों साथ होते हैं, और उसके साथ जापान भी होता है, तीनों कंट्री मिलके मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, और युद्ध अभ्यास जो है इंडिया और USA मिलके करते हैं, कहाँ पे हुआ, वॉशिंगटन में हुआ। अगला जो है क्वेश्चन आप लोग का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को मिला है आप लोग का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। अगला जो है एक भवन स्टार्ट किया गया आप लोग का दैट इज़ गरवी गुजरात भवन, ये कहाँ स्टार्ट किया गया आप लोगों को, कहाँ पे एस्टेब्लिश है, तो ये आप लोग का एस्टेब्लिश एट न्यू दिल्ली, ठीक है। अगला जो आप लोग का फास्टेस्ट 50 आउट आउट बाई कीपर, मतलब जो डिसमिसल बोलते हैं, ठीक है, इसको डिसमिसल ज़्यादा सही आंसर, ज़्यादा सही वर्ड है, आउट नहीं, इसको बोल सकते हैं आप लोग डिसमिसल, डिसमिसल बोल सकते हो, आउट होता है इसका मीनिंग, सबसे जल्दी 50 विकेट्स उड़ाने वाले कीपर कौन हैं, तो आप लोग के इससे पहले थे धोनी, अब धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, अब हो गए हैं टॉप में ऋषभ पंत, ऋषभ पंत जो है वो सबसे फास्ट
50 विकेट्स जो हैं उसको उड़ाया गया है बाई विकेट कीपर। अगला एक बुक पढ़ेंगे हम लोग जो कि है आप लोग का क्विचोटे। क्विचोटे बुक जो है वो लिखा गया है आप लोग का सलमान रशीदी के द्वारा। अगला जो है आप लोग का यूक्रेन के नए पीएम का नाम क्या है, तो ये आप लोग का हो जाएगा ओलिक्से होनचारुक। ठीक है, ओलिक्से होनचारुक। नेक्स्ट आप लोग का है वैनिश्ड करेंसी नोट्स, वार्निश्ड। वार्निश्ड करेंसी नोट्स जो है वो 100 रुपये के स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़े थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वार्निश्ड करेंसी नोट्स होते क्या हैं। देखिए, अभी जो आप लोग करेंसी नोट्स यूज़ कर रहे हैं, कागज़ वाला जो नोट्स यूज़ कर रहे हैं वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और उसका सॉइल्ड हो जाता है। सॉइल्ड क्या हो जाता है, जो कि मार्केट में हम लोग चला नहीं सकते। वो ख़राब नहीं है, वो फेक नहीं है। फेक को हम लोग सॉइल के साथ नहीं करेंगे कंपेयर। जो गंदा हो जाता है, जिसमें नंबर्स नहीं दिखते हैं, तो उसको सॉइल बोला जाता है। ठीक है, तो उसको क्या है, हम लोग मार्केट में फिर से रेगुलेट नहीं कर सकते। बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा है आजकल नोट। तो उससे क्या है, गवर्नमेंट को, आरबीआई को जो कर फिर से छापना पड़ता है, उसके कारण गवर्नमेंट को बहुत लॉस हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएशन लिया है कि कोई भी नोट रहेगा तो उसके ऊपर एक जेलेटिन लगाएगा, उसके ऊपर एक झिल्ली टाइप का कुछ लगाएगा, जिससे वो नोट जल्दी गंदा ना हो। और ये पहला वार्निश्ड करेंसी नोट जो है वो आया है आप लोग का मार्केट में 100 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये का नोट आप लोग का आने वाला है, पहला वार्निश्ड करेंसी नोट। तो ये क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। अगला जो है पेटीएम का हेड कौन है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा प्रवीण जाधव। अगला है सच आइकॉनिक प्लेस। सच आइकॉनिक प्लेस किसको मिला गया है, तो वैष्णव देवी टेम्पल को मिला गया है, जो कि आप लोग का जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला जो है आप लोग का ईरान। ईरान का एक अनमैन एरियल व्हीकल है जिसका नाम है आप लोग का कियान। कियान आप लोग का ईरान का अनमैन एरियल व्हीकल है। अगला जो है 2022 का फीफा कहाँ हो रहा है, तो आप लोग का हो रहा है कतर में। 2022 का फीफा कहाँ हो रहा है, तो आप लोग का हो रहा है कतर में। और इसका सिंबल भी आ गया है आप लोग का, कुछ ऐसा टाइप का सिंबल है। ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का सिंबल है, इसको आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, देख लेंगे और अच्छे से। अगला जो है आप लोग का सिस्टर सिटीज़। सिस्टर सिटीज़ का मीनिंग क्या होता है, दोनों सिटीज़ को लगभग लगभग सेम बनाने की कोशिश की जाती है। तो अभी रिसेंटली गुजरात और अमेरिका के डेलावेयर स्टेट को एक जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है, ये दोनों को सिस्टर सिटीज़ बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अगला जो है नौखाई जोहार फेस्टिवल। नौखाई जोहार फेस्टिवल जो है वो आप लोगों का कहाँ पे, उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला जो है वर्ल्ड ट्रैवल इंडेक्स में इंडिया का रैंक 34 है, फर्स्ट जो है वो है स्पेन। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया का 34th रैंक है, फर्स्ट जो है वो है स्पेन। अगला जो है मोस्ट लिवेबल सिटी जो है वो है वियना, और वियना किसकी राजधानी है, तो वो हो जाती है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया का नहीं कर देना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल जो है वो वियना है। ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो हो जाता है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा हो जाता है, ऑस्ट्रिया का वियना हो जाता है, जो कि मोस्ट लिवेबल सिटी है। ठीक है, इंडिया का कोई भी सिटी टॉप 100 में नहीं है। ठीक है, अगला जो है आप लोग का माउंट लियो पिरगिल। माउंट लियो पिरगिल कहाँ पे है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा हिमाचल। माउंट लियो पिरगिल कहाँ पे है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा हिमाचल। अगला जो है आईटी एक्सेलेंस अवार्ड। आईटी एक्सेलेंस अवार्ड जो है वो किसको मिला है, तो ओडिशा को मिला है फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आईटी एक्सेलेंस अवार्ड इज़ गिवन टू ओडिशा फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। उसने क्योंकि आईटी का बहुत अच्छा यूज़ किया है डिज़ास्टर को पकड़ने के लिए, डिज़ास्टर को कम करने के लिए। अगला जो है सेंटर 2019, ये एक युद्ध अभ्यास है, कहाँ पर हुआ, तो रशिया में हुआ है। सेंटर 2019 युद्ध अभ्यास इज़ हेल्ड एट रशिया। नेक्स्ट है सीबीएसई जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स जो है वो अपने में अपने अंदर स्टार्ट करेगा सीबीएसई। ठीक है, किसके साथ मिलके, माइक्रोसॉफ्ट के साथ स्टार्ट मिलके। अगला जो है ये शिवाई क्या है, ये जो शिवाई है ये एक बस है, ये एक बस है जो कि एक इलेक्ट्रिकल बस है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बस चलता है, पहली बार चालू किया गया है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अगला जो है जय भीम मुख्यमंत्री योजना, ये है आप लोग का दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। तो जय भीम मुख्यमंत्री योजना में होता क्या है, जो फ्री कोचिंग क्लासेस हैं वो रन की जाती है आप लोग का दिल्ली में, जिस योजना का नाम है जय भीम मुख्यमंत्री योजना है। ये न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि पहले इसमें सिर्फ ST और SC थे, लेकिन अब जो है जनरल और OBC भी इसमें आ गए हैं। ठीक है, इस स्कीम के अंदर जनरल और OBC भी आ गए हैं। ठीक है, अगला जो है आप लोग का मेगा फूड पार्क इन तेलंगाना, कहाँ पे है, निज़ामाबाद। निज़ामाबाद में पहला मेगा फूड पार्क इन तेलंगाना हुआ है स्टार्ट।
अगला जो है आप लोग का चंद्रयान 2 जो है ये एक मून मिशन था जो कि फेल हो गया। कितना दूर मून से? सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर बचा था वो, नहीं तो सक्सेस हो जाता। 2.1 किलोमीटर के वजह से लास्ट जो बच गया था जगह, उसकी वजह से वो थोड़ा सा फेल हो गया। नेक्स्ट आप लोग का सावरकर के ऊपर एक बुक है, इकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पोस्ट, दैट इज सावरकर इकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पोस्ट। किसने लिखा है? विक्रम संपत, विक्रम संपत ने लिखा है। अगला जो है ब्रियंका एंड्रेस्क्यू, ये कनाडा के हैं, इन्होंने जीता है यूएस ओपन। इसने इन्होंने जो है सेरेना विलियम्स को हराया, ठीक है। ब्रेने ब्रेना ब्रियंका एंड्रेस्क्यू, ये सेरेना विलियम्स को हराए हैं, कनाडा के हैं, यूएस ओपन जीता है। और मेंस में कौन जीता है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। एक और चीज़ आप लोग को बता दूँ, राफेल नडाल जो है टोटल 19 ट्रॉफी जीत चुके हैं, और रॉजर फेडरर जो है वो 20 ट्रॉफी जीत चुके हैं। रॉजर फेडरर जो है वो स्विट्ज़रलैंड से हैं, राफेल नडाल जो हैं वो स्पेन से हैं, और ब्रियंका एंड्रेस्क्यू जो है वो कनाडा से हैं, ठीक है। अगला जो है स्लिनेक्स, स्लिनेक्स जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच में होता है? SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होता है वो अभी रिसेंटली हुआ है वाइजैग में, दैट इज विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश। अगला जो है ये आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। जल जीवन मिशन जो है उसके लिए कितना कितना पैसा का बजट है? दैट इज़ 3.5 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। अगला जो है एयरफोर्स के चीफ कौन है? तो ये जो है ये हो जाते हैं आप लोग के रमेश कुमार सिंह भदौरिया, रमेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है। अगला जो है वाटर ग्रिड कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो आप लोग का हो जाएगा महाराष्ट्र, आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये डॉटर ऑफ द नेशन का खिताब किसको मिला है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज़ लता मंगेशकर। अगला जो है आप लोग का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेड कौन है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा विजय कुमार चोपड़ा, विजय कुमार चोपड़ा। अगला जो है फन जोन इन रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में बैठे बैठे बोर हो जाते करके उसमें एक फन जोन स्टार्ट किया जा रहा है, तो वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? ये भी आप लोग का हो रहा है विशाखापट्टनम, दैट इज़ वाइजैग। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक फन जोन स्टार्ट होगा रेलवे स्टेशन में। अगला जो है दुलीप ट्रॉफी किसने जीता है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा इंडिया रेड। अब ये दुलीप ट्रॉफी खेला किस में जाता है? तो क्रिकेट में खेला जाता है, और इसको जीता किसने? इंडिया रेड ने जीता है। अगला जो है हेलीकॉप्टर समिट किस तरह स्टार्ट हुआ है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा देहरादून, दैट इज़ उत्तराखंड, ठीक है। अगला जो है हरिकन डोरियन, एक डोरियन नाम का हरिकेन आया हुआ है, कहाँ पे आप लोग का आया हुआ है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा बहामास। अगला जो है अलीबाबा के हेड कौन है? तो पहले जैकमा थे जो कि हट गए, अब हो गए डेनियल जांग। डेनियल जांग इज़ द न्यू हेड ऑफ दैट इज़ अलीबाबा। अगला जो है मोतिहारी और अमलेख गुंज, इसके बीच में एक ऑयल पाइपलाइन स्टार्ट हो रहा है। तो मोतिहारी इंडिया में, बिहार में है, अमलेख गुंज कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है। नेपाल में अमलेख गुंज है, मोतिहारी बिहार इन इंडिया, ये दोनों के बीच में ऑयल पाइपलाइन आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। अगला जो है आप लोग का मलिंगा ने T20 में पहली बार 100 विकेट्स जो है वो चटकाए हैं, ठीक है। मलिंगा ने T20 में 100 विकेट चटकाए हैं, ठीक है। अगला जो है ट्रीज को अगर हम लोग नुकसान पहुंचाएंगे तो उस पर पेनल्टी लगेगी, ये कहाँ की सरकार ने स्टार्ट किया? तो तमिलनाडु की सरकार ने स्टार्ट किया है, ठीक है। अगला जो है किसान मानधन योजना, किसान मानधन योजना जो है ये स्टार्ट किया है आप लोग का रांची में, ठीक है, रांची झारखंड में स्टार्ट हुआ है आप लोग का। इसमें पेंशन मिलता है आप लोग को किसान लोग को कितना? 3,000 रुपये का। लेकिन इसके लिए एक एज लिमिट भी है, 18 से 40 के बीच में इसमें ज्वाइन होना पड़ता है, और इसके इस इसमें 18 से 40 के बीच में ज्वाइन होना है और आपको 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा आफ्टर 60 ईयर्स फॉर फार्मर्स। ऑनलाइन अब ऑनलाइन अडॉप्ट कर सकते हैं हम गाय को, ये कौन सी सरकार ने स्टार्ट किया? मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया, ठीक है, ऑनलाइन अडॉप्ट काउ। अगला जो है रिवराइन मल्टी मॉडल टर्मिनल प्रोजेक्ट, रिवराइन मल्टी मॉडल टर्मिनल प्रोजेक्ट जो है ये पहला स्टार्ट हुआ था वाराणसी यूपी में, अभी रिसेंट में सेकंड स्टार्ट हुआ आप लोग का कहाँ पे? झारखंड, झारखंड में आप लोग को सेकंड स्टार्ट हुआ, ठीक है। रिवराइन मल्टी मॉडल टर्मिनल प्रोजेक्ट पहले वाराणसी यूपी में हुआ था, नेक्स्ट आप लोग का झारखंड में हुआ है रिसेंट सेकेंड। नेक्स्ट आप लोग का आयोडाइज सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? जम्मू कश्मीर में यूज़ करते हैं आयोडाइज सॉल्ट को।
और सबसे कम जो है तमिलनाडु में यूज़ करते हैं, ठीक है, सबसे कम तमिलनाडु में यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में, गुजरात में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जम्मू कश्मीर में यूज़ ज़्यादा करते हैं, तमिलनाडु में सबसे कम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला जो एक जीआई टैग मिला हुआ है एक स्वीट को, जिसका नाम है श्री विली पुट्टूर पटकोवा, श्री विली पुट्टूर पटकोवा को जीआई टैग मिला है, जो कि आप लोग का तमिलनाडु का स्वीट है। अगला जो है आप लोग का इंडिया का स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है सेकंड निकला है खंडेरी, पहला आप लोग का जो था वह है कलवारी, ठीक है, कलवारी के बाद खंडेरी। अगला जो है आप लोग का लता मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड मिला है आप लोग का उषा खन्ना को, किसको मिला है, उषा खन्ना को मिला है। अगला जो है आप लोग का है मेगान, अगला जो है आप लोग का मेगान शूट, मेगान शूट जो है एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं, फीमेल क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, नाम से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मेगान शूट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर है, फीमेल क्रिकेट प्लेयर, इन्होंने अभी रिसेंटली डबल हैट्रिक लिया है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मेगान शूट रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो क्रिकेट, विच कंट्री टू रिलेटेड, तो देन आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, एंड ये किस लिए अभी न्यूज़ में है, क्योंकि डबल हैट्रिक लिया है। अगला जो है मैत्री, मैत्री एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है, तो ये कहाँ हुआ है रिसेंटली, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला जो है एक पुलाथिसी एक्सप्रेस, पुलाथिसी एक्सप्रेस जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है आप लोग का श्रीलंका में, और ये खास क्या है इसमें, पुलाथिसी एक्सप्रेस जो है इसका पूरा का पार्ट्स जो है वो इंडिया में बना है, इंडिया में बना है पुलाथिसी एक्सप्रेस का पार्ट्स, और कहाँ पे कौन से कोच फैक्ट्री में बना है, तो कोच फैक्ट्री चेन्नई, इंडियन कोच फैक्ट्री चेन्नई में आप लोग का इसके सारे पार्ट्स बने इस ट्रेन के, पुलाथिसी एक्सप्रेस के, तो ये मेक इन इंडिया का पार्ट है, ठीक है, इसमें आप लोग इंडिया में चीज़ें बनेंगी और बाहर बाहर एक्सपोर्ट होगी, और एक्सपोर्ट से ही इंडिया का जो है किसी भी कंट्री का जो है इनकम होता है। तो पुलाथिसी एक्सप्रेस जो श्रीलंका में स्टार्ट होने वाला है, इंडिया ने मैन्युफैक्चर किया है, दैट इज़ बाई इंडियन कोच फैक्ट्री, दैट इज़ चेन्नई। अगला जो है आप लोग का महाबलेश्वर एम एस, महाबलेश्वर एम एस जो है वो MD ऑफ कर्नाटक बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा शिल्पा अग्रवाल। अगला क्वेश्चन आप लोग का मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना में आप लोग को जो है दाल थोड़े सस्ते में मिला जाएगा, कितने में, बहुत ही कम रेट में, 44 रुपये किलो मिलेगा आप लोग को, ठीक है, 2 किलो मिलेगा महीने में। तो ये जो आप लोग का मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना है ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, कहाँ पर स्टार्ट होगा ये आप लोग का, उत्तराखंड में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोग के रिलेटेड टू सेप्टेम्बर, एक पार्ट और आएगा आप लोग का सेप्टेम्बर का, तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।